जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ गगन सागर और आपका स्वागत है मेरे चैनल गगन की ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं गरियावन टू सीकासर, जो कि फिलहाल हम गरियावन में हैं। देख सकते हैं जस्ट सामने कलेक्ट्रेट है गरियावन का, ये देखिए पीछे। तो आज गरियावन टू सीकासर का जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ सीकासर डैम, तो पहले गया नहीं गया, ये भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा है, तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। वहाँ पे कुछ पार्टी अट्टी भी चलेगा आज, वैसे दिखाएंगे वहाँ क्या क्या चलेगा। तो चलिए हम ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों फिलहाल हम निकल चुके हैं गरियावन से, ये देखिए नगर निगम गरियावन, यहाँ से होती है सीकासर डैम की जर्नी स्टार्ट। वैसे वीडियो कुछ बहुत बहुत खास होने वाला है आज, क्योंकि वहाँ पार्टी आर्टी भी अच्छे लगे, तो आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। काका जी ऊपर में बैठे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग गरियावन से निकल चुके हैं, वैसे धूप काफ़ी तेज है। देखिए ये जर्नी ना काफ़ी मज़ा आने वाला है, सो आप वीडियो एंड तक देखना। इधर है महिंद्रा का जो शोरूम है, ट्रैक्टर उक्टर आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बढ़िया सा विश्राम गृह भी है। दोस्तों सीकासर आने के लिए आपको दो रास्ता मिल जाएगा, एक तो देवोक साइड से आ सकते हैं और एक गरियावन साइड से आ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। तो हम फिलहाल गरियावन साइड से जा रहे हैं, जो कि सीकासर मेन रोड से 16 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जंगल अंदर। सीकासर डैम जो गांव के सामने ही बसा है, सो आपको वहीं दिखाएंगे आज। आज मतलब काफ़ी चीज़ का टूर होगा वहाँ पे। दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं नवागढ़, जो कि अपना विधानसभा क्षेत्र है बिंद्रा नवागढ़। इसका मतलब जो गरियावन क्षेत्र में जो आता है बिंद्रा नवागढ़, वही वाला है। और ये रहा एक छोटा सा पहाड़, इसके ऊपर ना एक मतलब काफ़ी फेमस मंदिर है, जो कि पहले कभी हम गए नहीं हैं लेकिन सुनने में आया है। एक आध दिन ऊपर चढ़ के बताएंगे, काफ़ी चर्चित मंदिर है ये। और यहाँ पे एक लोकल मार्केट भी लगता है, एक आध दिन आएंगे यहाँ का लोकल मार्केट सैर कराएंगे आपको। नयागढ़ काफ़ी बढ़िया है, अंदर जाने के बाद आपको अच्छा सा गांव देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि खमारी पारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक बस स्टैंड बनाया गया है, ये रास्ता में खमारी पारा जाता है। तो कभी एक आध दिन आएंगे तो उसका एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीकासर जाने का रास्ता, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है सीकासर जलाशय, इधर हमको जाना है सीकासर। 16 किलोमीटर पड़ेगा ये वाला जो रास्ता है, ये देवोक साइड से आता है ये रास्ता देखिए, और इधर का जो रास्ता है ये गरियावन साइड से आता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सीकासर ये वाला रास्ता, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो चलिए आगे मिलते हैं, क्या क्या हो रहा है आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं सीकासर के लिए, वैसे फर्स्ट टाइम है अपना सीकासर जाना, तो पता नहीं क्या है कैसा है रास्ता, तो पता नहीं हमको, लेकिन शायद मेन रोड ही होगा। दोस्तों देखिए ये नज़ारा जंगल अंदर का है, वैसे काफ़ी सुनसान है इधर वाला एरिया, देखिए काफ़ी जंगल अंदर आ गए हम लोग। और रोड का ठीक ठाक है वैसे तो, बहुत जंगल अंदर है तो रोड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिपेयर तो होता नहीं होगा। शायद आगे पुलिस चौकी भी है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं सीकासर जलाशय, ये लिखा हुआ है
दोस्तों ये है एक छोटा सा गांव जो कि सिकासर के नाम पे जाना जाता है। यहाँ लगभग 10 या 15 घर हैं। तो आगे जाते हैं, दिखाते हैं। अभी हम जस्ट सिकासर डैम के सामने पहुंच चुके हैं। ये देखिए, कुछ दूर में मिल जाएगा सिकासर डैम। वैसे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, शायद काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से चालू होता है सिकासर डैम। अरे वाह, ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सिकासर। बेहतरीन नज़ारा, एक से एक नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा आप अगर आते हैं तो। आप ये उलाट है, इधर से शायद पानी जाता है। ये देखिए नज़ारा, यहाँ का एक तरफा नज़ारा है। वैसे सिकासर का जो डैम है, मतलब छत्तीसगढ़ में एक से एक डैम है देखने के लिए, उसमें से ये भी एक डैम है जो कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे सिकासर। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। अगर ड्रोन होता ना तो और भी मज़ा आ जाता। एक ना एक दिन दिखाएंगे आपको ड्रोन का नज़ारा यहाँ आके। वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों नज़ारा देखिए, एक तरफा नज़ारा है इधर से देख। वैसे अभी काफ़ी धूप है तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे कैमरा में मतलब उतना दिखा नहीं पा रहा हूँ जितना देखना चाहिए। वैसे अगर आप सामने आके देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का जो व्यू है। यहाँ पे चढ़ने के लिए कुछ कुछ स्टेप भी बनाया गया है। वैसे शायद ये यहाँ का गेट, अंदर जाना मना है। आप बाहर से ही कुछ भी देख सकते हैं या शूट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ शाम के टाइम आते हो तो यहाँ का जो नज़ारा है एक तरफा हो जाता है। वैसे नीचे भी कुछ कुछ बना हुआ है, देखिए। तो सिकासर जलाशय गरियाबंद जिला के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। नीचे जो मतलब देख रहे हो, यहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इधर होता है विद्युत उत्पादन। तो अभी थोड़ा नीचे जाके देखते हैं क्या क्या दिखाएंगे आपको। वैसे इधर एक रास्ता जाता है, पता नहीं कहाँ जाता होगा, लेकिन हमको ये नीचे साइड जाना है। तो नीचे जाके देखते हैं क्या क्या देखने लायक है, सब दिखाएंगे। वैसे आज यहाँ का टोटल एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो जो देखने लायक है या जिसका दिखाने का इजाज़त है वही चीज़ दिखाएंगे। ये देखिए फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं। यहाँ कुछ गार्डन टाइप बनाया गया है, गार्डन में विद्युत उत्पादन के लिए। ये देखिए मस्त लग रहा है। ये देखिए गार्डन वार्डन मस्त बनाया गया है। मतलब अगर आप इधर पिकनिक भी आते हो तो काफ़ी बढ़िया जगह है। ये है यहाँ का जहाँ विद्युत उत्पादन होता है, वही जगह है ये। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित।
इसके अंदर शराब सेवन करना मतलब सख्त मना है, बिना अनुमति के अंदर भी नहीं घुस सकते। तो यहीं से देखते हैं आगे थोड़ा रिटर्न क्या क्या है। यहाँ एक छोटा सा गार्डन भी है, देखिए काफी बढ़िया लग रहा है वैसे। तो दोस्तों देखिए ये नज़ारा, ये बारिश में एक तरफा हो जाता है। फिलहाल हम लोग लेट से आ गए, वैसे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ जो पानी यानी बह रहा है। अगर बारिश होता तो और एक तरफा लग जाता है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे। तो दोस्तों देख सकते हो अभी थोड़ा मैं नीचे जा रहा हूँ, वैसे इधर कुछ कुछ बनाएंगे, आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाएंगे। ये देखिए ये नज़ारा देखने आए हम लोग वैसे, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है यहाँ, पूरा सीढ़ी सीढ़ी। अगर बारिश होता है तो एक तरफा पानी आता है यहाँ पे, और देखने वाले तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। देखिए दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं एक लोकेशन पे, जो कि अपना सिकासेर में, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है इधर का। एक बार इधर का देख लो लोकेशन, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। ये सामने हम लोग बैठ रहे हैं और कुछ कुछ बनाएंगे, वैसे अपना गैस वैस ले के आ गए हैं, जो कि कैंपिंग गैस है वो, आज इसका यूज़ करेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से बना के खा के निकलेंगे। ये देख सकते हो इसका सेटअप मार लेते हैं। ये हो गया अपना सेटअप, बनेगा यहाँ पनीर बनने वाला है। वैसे शनिवार है तो चलता नहीं है अपने को, तो पनीर बना रहे हैं, नहीं तो चिकन उकन खा लेते हैं और खा के निकलेंगे। वैसे चावल हम लोग पैक करवा के लेके आए हैं। दोस्तों अपना चालू हो गया गैस, ये है तेल जो कि एक पाव का है, काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों पनीर तलने से थोड़ा पहले हल्दी दे देना चाहिए, क्योंकि वो चिपकेगा नहीं। अभी लेंगे, वैसे कटे कुटा पनीर आता है आजकल, देख सकते हो। नहीं भाई कपड़ा में चिपकेगा, चम्मच है। दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, देख सकते हैं काफी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। तो यहीं पे बना रहे हैं हम लोग आज पनीर बना रहे हैं। ये अपना पहला कैंपिंग है, जो कि कहीं बाहर बैठ के खाना वाना बना रहे हैं। वैसे काफ़ी सारा कैंपिंग वीडियो आने वाला है आगे चल के, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। आज का जो हमारा कुक है, हमारे से हम ड्राइवर बने हैं फिलहाल, टाइम है तो कुछ अच्छा कुछ लाए नहीं है, वैसे एक्सपीरियंस तो है नहीं बाहर मतलब ज़्यादा जाने का। तो फिलहाल जो भी है अपने यही है, बनाते हैं फिर खा के निकलेंगे। तैयार हो रहा है दोस्तों, देख लो तैयार हो चुका है आधा, वैसे टमाटर वमाटर अभी डालना बाकी है। थोड़ा बढ़ा है ना,
भर के धनिया पत्ते डालने जा रहा है। देखिए काफी टेस्टी होने वाला है। वैसे ये पहले ढाबा वाबा में काम करता था इसलिए इतना टेस्टी बना है। तो दोस्तों कभी भी आप पनीर बनाते हो तो इस तरह लास्ट में थोड़ा सा टुकड़ा करके डालिए, काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसका जो टेस्ट है डबल हो जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। वैसे अपना पनीर बन चुका है। तो दोस्तों फाइनली अपना हो गया है काम, अपना टोटल तैयार हो चुका है सब्जी। अब देखो पनीर बन गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में, खाने में पता चलेगा। ये खाना वाना पैकिंग करवा के लाए थे तो दोनों के लिए हो जाएगा इतना। तो खाना निकालते हैं फाइनली, खा के निकलेंगे। देखिए सामने से एक बार दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया बना है, देख सकते हो एक तरफा फोटो क्या। चलो अभी निपटाते हैं इसको भरने के लिए। तो दोस्तों तैयार हो चुका है अपना, अभी खा के निकलेंगे यहाँ से। वैसे काफ़ी लेट भी हो चुका है, देख सकते हो शाम हो चुका है। वैसे ये नज़ारा देखिए, कभी आएगा पिकनिक तो इधर बैठो, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। वैसे चालू हो चुका है अगला आदमी, अब मेरे को भी चालू होना पड़ेगा। कैसा लगा बता? सुपर। मजा आ गया। वैसे मैं बनाया हूँ भाई, काफी बढ़िया लग रहा है। तो इसको खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली निकल रहे हैं यहीं से, पूरा कचरा वचरा साफ करके लेके जा रहे हैं पॉलीथीन में। अगर कहीं पे भी आते हो तो पॉलीथीन वगैरह में डाल के ले जाओ, क्योंकि सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, यहाँ का पर्यावरण ख़राब करने नहीं आते। तो आते हो तो पॉलीथीन लेके आ जाओ। वैसे काफ़ी शाम भी हो चुका है, ठंडा चालू हो गया इधर, जंगल एरिया है। तो स्वेटर वेटर का व्यवस्था करके आना अगर शाम को आते हो तो इधर, शीतकालीन में आते हो तो। तो अभी निकलते हैं, वैसे एक बार नज़ारा दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। सो आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लोकेशन है और कोई मतलब डरावना टाइप का जगह तो है नहीं। अब कोई भी टाइम आओ, पिकनिक मनाओ और जाओ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और बेल का आइकन को प्रेस करना और कमेंट भी जरूर करना। धन्यवाद।